आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में स्पिन स्पिन कपलिंग एंड स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इन 1H NMR पीक्स आर ऑफ्टन स्प्लिट इनटू मल्टीप्लेट और मल्टीपल पीक्स ड्यू टू मैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। This process is called spin-spin splitting. The splitting is into one more peak than the number of hydrogens on the adjacent carbon. This rule is known as N plus 1 rule. The relative intensities are in proportion of a binomial distribution given by the Pascal triangle. The set of the peaks in multiplates. If we get 2, then it is known as doublet. If we get 3, that is triplet. If 4, then quartet. 5, that pentate. 6, then sextet. And 7 is heptate. So these are the signals. If we got the one signals, it is known as singlet. If we get 2 signals, doublet. 3 signals are triplet. 4, quartet. 5 pentate, 6 sextate or hextate, and 7th is heptate. So this is known as N plus 1 rule, and the triangle we found, that is the Pascal triangle. These are the Pascal triangle. These are the intensity of multiple peaks. The interior entries are the sum of the two numbers immediately above. If we get the one signal, it is known as the singlet. So Pascal triangle mein 1 and 1 ratio, so it is known as a doublet. Then the third one, if we get the 3 signals for 1 plus 1, it is 2 and the ratio is 1, so it is known as 1:2, 2:1, it is known as triplet. फिर नेक्स्ट वाले में 1 सीधा लिखें, 1 plus 2 एडिशन 3 कहलाएगा, 2 plus 1 इट इज़ नॉन एज 3 एंड द राइट डाउन दी 1, सो वी गेट 1:3:1, यानी जो सिग्नल की पीक आएगी उनकी हाइट जो होगी 1 होगी, उससे 3 गुना ज़्यादा 3 होगी, उसी के बराबर फिर 3 होगी और उससे कम हाइट के ऊपर 1 की कंडीशन, तो ये पीक्स की रेशियो रहेगी, उस हाइट की रेशियो 1:3:1 और वो कहलाएगा क्वार्टेट। नेक्स्ट वाले में 1 सीधा लिखें, 1 plus 3 is equal to 4, 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is 4 एंड राइट डाउन दी 1:4:6:4:1, यानी सबसे बाहर वाली की हाइट उससे 4 गुना ज़्यादा, बीच वाली उससे पास वाली उससे ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा, फिर 4 गुना, फिर 1 गुना, ये कहलाएगा आपके पास क्विंटेट। नेक्स्ट वन 1 1 plus 4 5, 4 plus 6 10, 6 plus 4 10, 4 plus 1 5 एंड द राइट डाउन 1, तो 1:5:10:10:5:1, ये कहलाएगा सेक्सटेट। उसी तरह आगे करेंगे 1 1 plus 5 6, 5 plus 10 15, 10 plus 10 20, 10 plus 5 15, 5 plus 1 6 और 1, यानी 1:6:15, 20:15:6:1, ये कहलाएगा सबसे। इसी तरह 1 फिर 7 फिर 21 फिर 35 फिर 35 फिर 21 फिर 7 और फिर 1, ये कहलाएगा ऑक्टेट। और ये जो बनता है ट्रायंगल, ये इस तरह से बनेगा, ये बना जो ट्रायंगल, इट इज़ गिवन बाय द पास्कल, सो इट इज़ नोन एज द पास्कल ट्रायंगल। द ओरिजिन ऑफ द 1H NMR स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग अकर्स ओनली बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। स्प्लिटिंग तभी होगी जब प्रोटॉन्स नॉन इक्विवेलेंट होंगे, अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। ऑन द सेम कार्बन ऑन एडजेसेंट कार्बन, लेट अस कंसीडर हाउ टू डबलेट ड्यू टू CST ग्रुप ऑन
BrCH2CHBr2 occurs. When placed in an applied field B0, the adjacent proton CHBr2 can be aligned with or against the applied magnetic field. यानी CH2 के पास में जो CH है उसकी जो अप्लाइड मैग्नेट फील्ड की दो ही पोजीशन हो सकती है, या तो वो अलाइन करेगा उस फील्ड के साथ में जाएगा, या उसको अपोज करेगा या अगेंस्ट में जाएगा। द लाइकलीहुड और आइदर केस इज अबाउट 50-50%, यानी इनका जो रेशो रहेगा वो 50-50% रहेगा, या तो वो अलाइन करेंगे 50% या उसको अपोज करेंगे, दैट इज़ अगेन 50%। Thus, the absorbing CH2 protons feel two slightly different magnetic fields, one slightly larger than B0 and one slightly smaller than B0. यानी इस तरह से देखें, यानी पैरेलल रहेगा या एंटी पैरेलल रहेगा, दो पोजीशन रहेगी, यानी इसका पॉसिबिलिटी 1 है, इसकी भी पॉसिबिलिटी 1 है, तो इसका रेशो निकल के आएगा 1:1। Since the absorbing proton feel two different magnetic fields, they absorb at two different frequency in NMR spectrum. Thus, splitting a single absorption into a doublet, where the two peaks of the doublet have equal intensity. इनकी peaks जो रहेंगी उनकी peaks बराबर रहेगी और उनका ratio निकल के आएगा 1:1. So it is known as doublet. The origin of 1H NMR spin-spin splitting. Example लें, first one, इस example में एच ए के पास में एच बी है और वो ए की है, तो एच ए एच बी के साथ spin-spin coupling करेगा। So एच ए के पास में प्रोटॉन्स कितने हैं, एच बी सिर्फ ए की है, तो इनके बीच जो रेशियो निकल जाएगा पॉसिबिलिटी 1:1 रहेगी, ये कहलाएगा डबलेट। सेकेंड पोजीशन में देखें, एच ए जो है उसके पास में दो हैं प्रोटॉन्स, एक ये और दूसरा ये वाला 1 और 2, तो स्पिन स्पिन एच ए एच दो एच बी के साथ कपलिंग करेगा, टू इक्विवेलेंट एच बी एटम्स, इनका रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 1:2:1। क्यों? क्योंकि एन प्लस वन, पास वाले प्रोटॉन्स कितने हैं, दो, दो प्लस एक तो कितना आया 3, तो इनका रेशो निकल जाएगा 1:2:1, इट इज़ नॉन एज ट्रिपलेट। तो इनकी पीक्स कैसे आएगी, फर्स्ट वन ये, फिर उससे डबल हाइट के ऊपर आएगा 2 और उससे कम हाफ रेट पे रहेगा, तो रेशो आएगा 1:2:1, इट इज़ नॉन एज द ट्रिपलेट की कंडीशन। फिर नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, थर्ड वन, थर्ड एग्जांपल में एच ए के पास में 3 एच बी हैं, 1, 2 और 3, एच ए 3 एच बी के साथ कपलिंग करेगा, तो 3 प्रोटॉन होने के बाद एन प्लस वन, 3+1=4, यानी क्या देगा, क्वार्टेट। क्वार्टेट की कंडीशन में रेशो जो निकल के आता है 1:2:3:2:3:1, जो कि इसमें दिखा रखा है, एक वो रहेंगे जो तीनों अलाइन रहेंगे, बाकी 3-3 की पोजीशन रहेगी, फिर लास्ट में रहेगा 3 प्रोटॉन जो अपोज करेंगे, तो 3 इक्विवेलेंट एच बी एटम्स हैं, उनका रेशो निकल के आएगा 1:3:1, ये लगेगा आपके पास क्वार्टेट की कंडीशन। रूल्स फॉर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, इक्विवेलेंट प्रोटॉन डू नॉट स्प्लिट ईच अदर, यानी जितने भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे वे पास वाले प्रोटॉन के साथ कपलिंग भी नहीं करेंगे ना उसको स्प्लिटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें देखें, ये कार्बन के ऊपर तीनों प्रोटॉन्स हैं, तीनों प्रोटॉन 3CH प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट, सो नो स्प्लिटिंग अकर्स, इनके अंदर स्प्लिटिंग नहीं होगी। इस एग्जांपल में CH2Cl और ये इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, तो 4CH प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट, सो नो स्प्लिटिंग अकर्स, एन प्लस वन रूल फॉलो नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग ऑब्जर्व, इसके अंदर देखें, ये
प्रोटॉन्स हैं एडजेसेंट पे हैं और नॉन इक्विवेलेंट है, फिर ये पीक्स प्रदर्शित करेंगे यानी इनके अंदर स्प्लिटिंग होगी। इसके अंदर स्प्लिटिंग डज नॉट ऑब्जर्व, नॉट यूजुअली ऑब्जर्व, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण तीन प्रोटॉन से तीन बॉन्ड से ज़्यादा होने के बाद में पास वाले प्रोटॉन के साथ कपलिंग नहीं होती और साथ में स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। इफ़ एच ए एंड एच बी आर नॉन इक्विवेलेंट स्प्लिटिंग इज ऑब्जर्व व्हेन, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर देखें डबल बॉन्ड में एच ए और एच बी ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और लेकिन सेम कार्बन पे हैं तो भी क्या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने के कारण स्प्लिटिंग ऑब्जर्व करेंगे। इसमें सिंपल सा ही है एच ए एच बी के साथ एच बी एच ए के साथ एच ए एंड एच बी आर एडजेसेंट कार्बन शोज दी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग इज नॉट जनरली ऑब्जर्व बिटवीन प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय मोर देन थ्री सिग्मा बॉन्ड्स, यानी तीन सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा की डिस्टेंस होने के बाद वो प्रोटॉन्स कपलिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वन इस प्रोटोन एच ए की बात करें वह वन ये टू ये थ्री एंड दिस वन इज फोर, ये जो एच ए है ये इस एच बी के साथ में कपलिंग नहीं करेगा। सो एच ए एंड एच बी आर सेपरेटेड बाय फोर सिग्मा बॉन्ड, तीन से ज़्यादा होते ही एच ए और एच बी जो भी एडजेसेंट कार्बन है चार बॉन्ड से ज़्यादा होने के बाद में वो एक दूसरे के साथ कपलिंग और स्प्लिटिंग नहीं करते। सो नो स्प्लिटिंग बिटवीन एच ए एंड एच बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वन टू थ्री एंड फोर, सो एच ए एंड एच बी आर सेपरेटेड बाय फोर सिग्मा बॉन्ड्स, सो नो स्प्लिटिंग अकर्स बिटवीन एच ए एंड एच बी। दीज आर द कॉमन स्प्लिटिंग पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड इन वन एच एन एम आर। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेते हैं एच ए एंड एच बी। एच ए की अगर बात करें तो उसके पास में एच ए के पास एन प्लस वन वन प्लस वन यानी टू यानी ये डबलेट शो करेगा। एच बी के पास में भी एच ए जिसमें ए की प्रोटोन है एन ए वन प्लस वन इज इक्वल टू टू ये भी टू पिक्स करेगा। तो पहले एग्जाम्पल में एच ए और एच बी के पास में दोनों के पास एक एक की एडजेसेंट प्रोटोन्स थे दोनों डबलेट शो करेंगे इस तरह के एग्जाम्पल के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल एच ए, एच ए के पास में एडजेसेंट के पास इसके पास पास वाले कार्बन पर दो प्रोटॉन्स हैं एन प्लस वन टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, यानी ये तीन पिक्स देंगे यानी ये ट्रिपलेट शो करेगा जो कि डायग्राम एच ए में बता रखा है। इट शोज दी ट्रिपलेट डिनोटेड बाय टी। सेकेंड एच बी में देखें उसके पास में एडजेसेंट प्रोटॉन्स जो हैं वन है तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू यानी ये टू पीक शो करेगा यानी ये डबलेट शो करेगा। थर्ड एग्जांपल सी एस टू यानी ये एच ए और सी एस टू एच बी दोनों के पास दो दो प्रोटॉन्स हैं एन प्लस वन यानी दो हैं दो प्लस एक तीन यानी तीन पीक्स यानी ट्रिपलेट शो करेगा। एच बी के पास भी दो प्लस एक इज इक्वल टू थ्री तीन पीक्स यानी ये ट्रिपलेट शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल एच ए सी एस टू है और एच बी सी एस थ्री है यानी एच ए के पास में एच बी कितने हैं एन प्लस वन यानी तीन प्लस एक यानी चार प्रोटॉन्स यानी ये चार पीक शो करेंगे यानी ये क्वार्टेट शो करेंगे और एच बी में एन प्लस वन टू प्लस वन इजक्ल टू थ्री यानी ये तीन पीक इट शोज दी ट्रिपलेट्स। In the last example, एच ए एंड सी एस थ्री हैविंग दी एच बी, एच ए के पास कितना एन प्लस वन यानी पुराने एग्जाम्पल में तीन प्लस एक चार चार पीक शो करेंगे यानी क्वार्टेट और एच ए के पास में वन प्लस वन इजकल टू यानी टू पीक शो करेंगे और ये शो करेगा आपके पास डबलेट, तो ये क्वार्टेट शो करेंगे एच ए और एच बी जो होंगे वो डबलेट शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं वन वन टू ट्राई ब्रोमो मीथेन, एग्जाम्पल में शो है अपने जैसा कि ऊपर बता रखा है बी आर टू है और इसमें एच ए है और बी आर और इसमें एच बी कितने हैं दो हैं,
यानी एच ए एक है और एच बी जो हैं वो दो हैं। द ट्रिपलेट इन वन एच एन एम आर, एच ए के पास में कितने इसकी बात करें तो एन प्लस वन, एच बी कितने दो प्लस एक तीन, यानी ये क्या करेंगे ट्रिपलेट शो करेंगे और उनके रेशो जो रहेगा इंटेंसिटी रहेगी वन रेस टू टू रेस टू वन। जैसा कि ये पता है ये वन ये टू और ये वन, तो इनका रेशो जो निकल के आएगा दैट इज़ वन रेस टू टू रेस टू वन, इट शोज द ट्रिपलेट पीक्स। जैसा कि इसमें भी पता है ये वन है ये टू और ये वन, इट शोज वन रेस टू टू रेस टू वन। एच बी के लिए देखें तो एच बी के लिए देखें एच ए वन प्लस वन इज्कल टू टू, यानी ये शो करेगा डबलेट और उसका इंटेंसिटी जो रहेगी वो रहेगी वन रेस टू वन। जैसा कि इसमें शो कर रखा है इंटेंसिटी दोनों की बराबर, इट शोज़ वन रेस टू टू रेस टू वन। थैंक यू वेरी मच।